चलिए रोल है रोल। सर आपका नाम? रामपाल कश्मीर। सर आज जो कार्यक्रम किया गया है, क्या लगता है इससे कितना, इस कार्यक्रम से समाज कितना जुड़ता बढ़ रहा है? किसी भी परिवार पर, किसी भी समाज पर, किसी भी देश में अगर कोई किसी भी तरीके की समस्या आती है तो परिवार एक जगह बैठकर मन मंथन करता है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, जिससे परिवार, समाज और देश आगे बढ़े। आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन सेमिनार के रूप में जो रखा गया है, ये अकेले किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश के अंदर जो हजारों संगठनों के रूप में अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, जो समाज की ताकत कमजोर दिखाई दे रही है, इन सभी भारतवर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, संगठनों के लोगों को एक जगह बुलाकर एक समन्वय का परिचय के साथ उनके विचार लेकर आगे का जो हमारी रणनीति है, वो रणनीति है कि जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार इस समाज को प्राप्त हुए हैं वो आज तक क्यों नहीं लागू हुए। हम लोग राजनीतिक पार्टियों से दूर होकर के, मैं भी एक पार्टी दल को चलाता हूँ, लेकिन मैंने उस पार्टी को त्याग दे दिया है। जब तक इस समाज को हकूक नहीं मिलेंगे, जब तक मैं समाज के हर व्यक्ति के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन जो समाज सेवा कर रहे हैं, जिन राष्ट्र अध्यक्षों को मंचों पर सम्मान नहीं दिया जाता, जिनको राजनीतिक दल के लोग इस्तेमाल करने का काम करते हैं, मैं उन सभी संगठनों को साथ लेकर के समाज के हित के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तो इंसान जिस जाति में पैदा होता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसके उत्थान के लिए कुछ अच्छा कार्य किया जाए। इसलिए मैंने भारतवर्ष के सभी संगठनों को बुला करके उनके विचार लिए हैं, उनसे साझा समझौता किया है कि जब भी समाज की कोई भी लड़ाई लड़नी होगी तो हम अलग अलग पार्टी और संगठनों के नाम से नहीं, कश्यप एकता के नाम सर, निषाद के नाम से, मल्हा के नाम से, साहनी के नाम से, गोड़ के नाम से, जो 176 जातियों में हमारा समाज अंकित है, वो एक नाम से समाज के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए अब तैयार हो जाए। 75 साल हो गए, सभी बिरादरियां आज़ाद हो गई, मैं जिस समाज में कुल में पैदा हुआ हूँ ये समाज आज तक आज़ाद नहीं हुआ। जैसे सर आपकी पार्टी में जिसका बैठक अध्यक्ष भी है, उसके बारे में लोकसभा चुनाव जो आने वाले सर अगले, उसमें आपका क्या है? समाज के लोग अगर ये समझते हैं कि किस पार्टी को किसको चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है, ये तो पार्टी को जो चलाएंगे, मैं पार्टी को अब नहीं चलाऊंगा। पार्टी को चलाने वाले जो पदाधिकारी शेष बचे हैं, ये उनका निर्णय है कि वो पार्टी चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। मैं तो समाज के हित के लिए कार्य करूंगा। किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से अगर कश्यप निषाद मल्हा का बेटा चुनाव लड़ेगा, अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है, तो मैं उसको जिताने के लिए उसका प्रचार करूंगा। साथ ही आज के अधिवेशन में कहां कहां से लोग मौजूद हुए और कितने संगठन आपके साथ जुड़े हुए हैं? आज लगभग 160 संगठनों के लोगों को न्योता दिया गया था, जिसमें मौसम खराब होने के कारण कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन हाजिरी 85% 90% की जरूर रही है। जो लोग आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, ऐसे मौसम खराब में भी, तूफान को चीरते हुए मौसम खराब होने के बावजूद भी उन्होंने दिल्ली देश की राजधानी में दस्तक दी है, मैं उनका आभारी हूँ। और सब लोग पहुँचे, सब ने इस बात की खुशी जताई है कि कश्यप निषाद समाज का जो महाकुंभ के नाम से जो आज तैयारी एकता की बात हुई है, सब ने अपनी सुरताल एक साथ मिला करके अपने संगठनों का प्रचार ना करके, वो उनकी हालात पर, दिशा पर, जिससे समाज के लोग भुक्त भोगी हैं,
हालातों से गुजर रहे हैं, उन्होंने अपने साथ चलने के लिए और ऊँचे साथ लेने के लिए एक साझा मंच तैयार करने की बात की है। मैं उनके लिए, सबके लिए तैयार हूँ, उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ कि जो समाज हित में काम करता है, समाज सर्वोपरि है, मानव सेवा नारायण सेवा होती है। इसलिए आज से ओम पाल कश्यप किसी जाति द्वेष या पार्टी बाजी की ना बात करके मैं केवल इंसानियत और मानवता के लिए काम करूँ। कुछ जो खास लोग हैं आपके यहाँ मौजूद हुए जिनको आपने जजेस घोषित किया, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। इस कार्यक्रम में सहयोग आदरणीय गुरचरण कश्यप जी हैं, राजवीर कश्यप जी हैं, हमारे जयपाल कश्यप जी हैं जिन्होंने उमेश कश्यप हकों से लड़के हैं, और दिल्ली के भी कुछ लोग हैं, हमारे साइंटिस्ट जी हैं महेंद्र जी हैं, और हमारे बीच में नीतू मास्टर जी आए हैं शामली से, संजीव कुमार कश्यप जी आए हैं, सतीश कुमार पहलवान जी आए हैं, और बहुत सारे दर्जनों लोग हैं। मात्र शक्ति भी हैं, बहन सुनीता कश्यप का भी सहयोग है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कई कारण आ नहीं सकी, सबका सहयोग है। आज की अध्यक्षता कर रहे जो मंचासीन जो कमिश्नर रैंक के लोग पहुंचे हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, एक जज की तैयारी कर रहे हैं, मिंटू कश्यप एडवोकेट साहब, हमारे केसी कश्यप साहब, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करते हुए, सब लोग आए हैं और सब लोगों ने आश्वासन दिया है। कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप एकता जिंदाबाद, कश्यप।